राज्य की जनता के नाम मुख्यमंत्री ने लोकवाणी के माध्यम से किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी और जिसे ग्रामीण किसानों और छोटे व्यवसायियों ने रेडियो के माध्यम से सुनकर उनकी सराहना की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आकाशवाणी कार्यक्रम लोकवाणी के माध्यम से किसानों के हितों में किए जा रहे कार्यों को विस्तारपूर्वक बताया। सुन के आज नहीं क्या एक उम्मीद है कि आप लोग फायदा पहुंची चला घुरुआ ये करना है ना 2500 रुपया कुंटल धान आओ का कहते बिजली के उत्पादन में थोड़ा फायदा नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय हम मुख्य रूप से नरवा गरबा घुरुआ बारी जिला बचाना है संगवारी के संदेश प्रमुखता दे दिए और इमा जैसे नरवा है तो हमारे राज्य में पानी के संरक्षण पर फोकस करे थे और उकर अलावा जो बारी है तो बारी में मतलब साग सब्जी उगाना है और एक पौष्टिक युक्त मतलब हमें कुछ समृद्ध आर्थिक व्यवस्था सुधारना है। धन्यवाद देवत हूँ मैं मुख्यमंत्री जी ला ऐसा कार्यक्रम हमारे किसान मल्ला बर करते रहे और जो बोनस के है वो तो हमारे किसान मल्ला और बहुत ज्यादा फायदा के अगर की अकाल नहीं थे तो अकाल में कुछ राहत मिली थे। माननीय मुख्यमंत्री जी राजपन योजना के बारे में कुछ जानकारी करी तो मतलब बताइए गाँव वाले मल्ला की खेती किसानी के संबंध में क्या क्या होते बहुत सारा जानकारी दी जैविक खेती के बारे में जानकारी दी जैविक खेती करे से किसान मतलब क्या फायदा है क्या लाभ है क्या नुकसान है सब चीज के बारे में हमें लेकर के अवगत हुई जानकारी हुई। नरवा गुरुआ गरवा वो सब के बारे में बताइए कैसे ढंग से खाद तैयार करना है जो चीज हमारे बेकार में फेंका था वो हमारे जैविक खाद के रूप में भी तैयार कर सकते हैं ये सब के बारे में बताइए और गांव के ऐसे बहुत सारा समस्या है जैसा से हमारा समस्या समाधान मिल गई ये सब की जानकारी दी से।